मम्मी की हो रही है यहाँ पर पैकिंग, मम्मी कर रही हैं जाने की तैयारी। कहाँ जा रही हैं ये मम्मी बताएंगी, कहाँ जा रही हो? अभी नहीं बताएंगे, अभी मम्मी का मूड नहीं है, बाद में बताएंगी। मम्मी रेडी हो रही है, मम्मी जा रही हैं, तकरीबन उन्हें 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। तो सारी जो डेकोरेशन थी वो मम्मी ने हटा के रख दी है। इधर ये लाइट लगी केवल, वो दूर पिंजरा जो टंगा हुआ था वो भी हटा दिया है, और सारी झालर वालर हटा दी है, पिलो हटा दिए हैं अच्छे वाले, क्योंकि 10-15 दिन में ना धूल मिट्टी बहुत छा जाती है चीज़ सामान पर, तो ख़राब हो जाते हैं। तो मम्मी ने कहा वो हटा देती हूँ मैं, मैंने कहा ठीक है। तो ये सारा कुछ किया है आ करके, उसके बाद मम्मी पैकिंग कर रही हैं और नन्नू यहाँ पर खेल रही है। नन्नू को नींद नहीं आ रही है, नन्नू पूरा दिन नहीं सोई स्कूल से आने के बाद। टाइम हो रहा है शाम का 7:30। हाँ एग्जैक्ट, मम्मी को टाइम का अंदाज़ा एकदम रहता है। 7:32 हो रहे हैं, इनका कॉल आया 9 बजे तक निकलना है मम्मी को, तो 9 बजे से पहले ये भी आ जाएंगे। कार से नहीं गए, बाइक से गए, डेली बाइक से जाते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो कार से चले जाते हैं, तो फिर यहाँ से चाबी लेके घर जाएंगे, फिर मम्मी को छोड़ने जाएंगे। चले मम्मी, हम भी चलो, हम तो कह रहे हैं चलो। कौन सा टैडी चाहिए बताओ, टैडी ढांकेंगे किसी में है ना, मिट्टी लग जाएगी। नहीं वो फ्लावर पॉट भी अंदर रख दो, वो भी बहुत धूल खा जाएगा, ये तो उठा के अलमारी में खराब हो जाएगा। ऐसे सही रहता है, जाओ छोटे मोटे जो सामान होते हैं जो गंदे होने के वो रहते हैं, तो उनको पैक करके रख दो, ठीक रहता है, आने में ज्यादा खराब नहीं होते, उनकी क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, मैं आपको बता रही थी अभी मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई थी, ये जो इसका नीचे वाला ड्रॉर है ना ये ओपन नहीं हो रहा था। मैं और मम्मी आधे घंटे से परेशान थे, इसमें ये वाली डब्बी पीछे जा कर के ऐसे करके टेढ़ी होकर के फंस गई थी, इतना स्ट्रगल किया हम लोगों ने, हाथ में चोट भी आ गई मम्मी की और मेरे, इसको निकालते निकालते मतलब एक सेकेंड में कब क्या प्रॉब्लम आ जाए कुछ पता नहीं होता है, हालत ख़राब हो गई। इसको निकाला है और इसमें कड़े भी कितने प्यारे से कड़े, देखिए सुंदर से, कहाँ से लिए थे ये वाले, ये शायद वहीं से लेते नानी के हाथ में, तरीके के बहुत प्यारे लगते हैं। प्राइस इनका मैं भूल गई वरना मैं बता देती। और हाँ कल मैं ब्लैंकेट बता रही थी ना, विशाल वाला ब्लैंकेट लेकर के आई और मैं प्राइस बताना भूल गई, अब सब लोग प्राइस पूछ रहे थे उसका, तो वही है 350 का था, नहीं 300 का था ना वो, और वो जो पहले वाले दो ब्लैंकेट है वही वाले पतले वाले सॉफ्ट वाले, वो भी 300 के थे, वो शायद सरोजनी से लिए थे, एक सरोजनी से लिया था, एक टैडी वाला है जो बेटू का है वो मैंने बुद्ध बाजार से लिया था अपनी गोविंदपुरी से, और ये वाला मैंने विशाल से लिया। तीन कंबल तीन जगह से, प्राइस सेम है, 300 के ही मिलते हैं ये वाले, कहीं भी आप देखना पतले वाले सॉफ्ट वाले कंबल होते हैं। मम्मी ने ये गद्दा भी हटाया हुआ है, उनको कुछ निकालना है सामान, और कुछ सामान अंदर रखना है जो इतने दिन बाहर नहीं पड़ा रहेगा ऐसे ही, तो फिर वो रख रही हैं। कुछ चिल्ला रहे क्या बाहर, कोई चिल्ला रहा है, ये देखिए सेम ब्लैंकेट है, सेम वही वाला, मम्मी दिखाना उठा के, ये देखो ये वाला सेम, दोनों मैंने लिया था एक मम्मी ने लिया था, दोनों लोगों ने सेम जगह से सेम डे सेम सेम कंबल लिए थे। एक्चुअली उसके पास कोई अच्छी प्रिंट का था भी नहीं, यहाँ पर तो ज़्यादा ही चिल्ला रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई आई थिंक बाहर। रुको बेटू, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अभी कुछ लोगों ने झालरें लगा रखी हैं। क्या हो गया, चोर है क्या? आपके फ्रेंड कहाँ है नन्नू, फ्रेंड कहाँ है आपकी, हाँ बुला लो अपनी फ्रेंड, सबको मिलवा दो, सबको मिलवा दो अपनी फ्रेंड को। फोकस, सिर्फ एक लाइट रह गई, बाद बाकी चारों तरफ लाइट, वहाँ मंदिर कितना सुंदर लग रहा था ना दिवाली को, वो लाइट भी बंद हो गई है, सिर्फ एक लोगों ने अपनी लाइट हटाई नहीं, उनकी ख़राब भी हो गई बीच बीच में है ना, हमने देखा और सब लोग हटा दिए। तो नन्नू की फ्रेंड है यहाँ पर, तो नन्नू की फ्रेंड अभी टीवी देख रही है, जाओ चली जाओ, जाओगे फ्रेंड के पास, हाँ चली जाओ, नहीं शर्म आती इनको अपनी फ्रेंड से, नन्नू के ही जितनी बड़ी है सेम, और शायद उसी मंथ की है ना, उसी मंथ की है कि अगस्त की है, नहीं ईयर सेम है और है अगस्त की, अगस्त 2015 की है, नन्नू सितंबर 2015 की है। सो बाहर कुछ शायद चोर था, कंफर्म वो क्या बोलूँ, खबर कंफर्म खबर नहीं है, पक्की खबर नहीं है, शायद चोर था, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इसको, क्योंकि लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, तो वही कह रहे थे ये बहुत सेफ कॉलोनी, यहाँ पे दोनों तरफ गार्ड रहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, वही है क्या है,
रजाई। हाँ क्या पंखा? अरे वाह दिखाना, लाओ सबको दिखा दे पंखा। आज पूरा टाइम नानी के यहाँ ही हम लोग रहेंगे, नानी को विदा करके यहाँ से चलेंगे, फिर नानी आएंगी 15 दिन बाद। और ये है पंखा जो मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, बचपन की याद आ जाती है इन फैन को देख करके। सच में फैन बोल रही हूँ मैं। अब तो जरूरत नहीं पड़ती है शादी कभी लाइट जाते जाए। ये जो कार्ड नहीं होते हैं शादी वाले, देखे पहले मम्मी कार्ड फेंकती नहीं थी, कार्ड से बनाती थी। और किससे बनाती थी मम्मी तुम? जैसे अच्छा कोई सीन मिल गया उसमें मैगजीन नहीं आती थी। मैगजीन, हाँ याद आ गया। मैं मुझे लग रहा था कि किसी से बनाती थी पर भूल गए किससे बनाती थी। हाँ सुनाओ। नहीं आतेंगे, नहीं आतेंगे, नहीं 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 नहीं। अरे अरे मम्मा गिरी, मम्मा गिरी। वो वाला कंबल मिला था ना मुझे ऑफिस में, ये वाला कंबल मुझे ऑफिस में मिला था जब मैंने पहली बार जॉब की थी, दिवाली पर आई थिंक मिला था। और ये वाला परचेज किया था, नन्नू का कंबल यहाँ भी। अरे वाह टेडी वाला, अरे वाह टेडी वाला। और ये डबल बेड का है ना, ये डबल बेड का पिछली बार खरीदा था। हाँ ये पिछले साल का है। दांग तो इसमें क्या, ये वाला जो कपड़ा चमक रहा है ये शॉल है। सारे गर्म कपड़े हैं जो पांच साल शॉल में खरीदे। तो शॉल तुम ले जाओ ना, वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच रहे रास्ते के लिए निकाल। हैं सोना? हाँ बहुत आवाज है, बहुत गर्मी है। ये मेरी शादी का स्वेटर है, आज से 6 साल पहले तकरीबन। मुझे भी छू गए दिमाग। ये डेढ़ साल जो है, 1-1.5 हज़ार का था ये। इसको वही पहना था, विदा होके गए थे, नेक्स्ट डे पहना था बस थोड़ी देर के लिए। हाँ सोना क्या ये देखो, ये देखें, ये देखो। अच्छा अच्छा पूरे दिन देखो। अच्छा पंखा पंखा पंखा। ये जो दरी आप देख रहे हैं ये भी मेरे बचपन की ही है। चलो हो गई पुराने यादें ताजा, अब गद्दे डाल दो। अच्छा इसकी पॉलीथिन तुमने हटा दी? हटा दी, वो बेडशीट की शक्ति बहुत थी ना उससे। ये गद्दा नन्नू भी समझ गई पुराना। ये गद्दा सामान भी पुराना, ये गद्दा भी मेरे बचपन का है। नई बेडशीट लेके आई थी दिवाली के टाइम, लेकर के आई थी, सब पुराना है। नन्नू भी पुरानी है, नन्नू भी पुरानी है, पुरानी है नन्नू। नन्नू देव कहाँ घुसी जा रही। कितने बैग थे बताइए जरा? एक ये था, ये थी, कितना था? एक बोरी, एक कंबल है ना। वाह वाह वाह, मम्मी मेरे टोटल 4 बैग लेके जा रही थी, 4। और थोड़े बहुत नहीं कम पड़े थे, और ले लेती मोहल्ले पड़ोस से, वो भी ले लेती। फिर मैंने ये वाला बैग मंगाया, तो ये वाला बैग क्यों मंगा रही हो, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। ये भगवान मम्मी लोगों को कौन समझाए कभी कभी। क्या आपकी माँ भी ऐसी हैं तो वोट करें यस। इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है तो बताइए। अब 4 बैग की जगह सिर्फ 2 बैग रहेंगे, और अच्छी बात है। तो नहीं इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत ही क्या है। और मैं ये बहुत पसंद आई। हमें ये बहुत पसंद आई। वो कहाँ है नीचे से पोटली निकालने? हाँ, वो पोटली। अच्छा वो पोटली भी बकाया है अभी। 5वीं वो हो जाती। चुप रहो यार, तुम तो मेरा दिमाग खाए। भूख लग रही, कुछ है नहीं तो तुम्हारा दिमाग ही खाए सोच रहे। अरे बस निकल ही रहे लेट, ये तभी तो फोन ना उठा पा रही, लगे हैं जल्दी जल्दी बस उतर रहे हैं। हाँ नीचे उतर रहे हैं। हाँ बस निकल ही रहे हैं ना तुरंत, ठीक है। हाँ बस में बैठी हूँ, तुम फोन कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है ठीक है। कौन था? नीलम मामी। मामी
हम क्या कह रहे बाय बाय बोल दो सारे प्यारे प्यारे अपने बच्चों को बोल दो बाय 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 जल्दी मिलेंगे 15-20 दिन के बाद मम्मी को मैं भी सी ऑफ करने आ गई बेटो अभी तक सो रही है देखिए तो मम्मी अब फाइनल बाय बाय बोल दो मिलेंगे 15-20 दिन बाद मेरा यही डायलॉग मिलेंगे 15-20 दिन बाद कहाँ जा रही है अब ये तो बता दो सबको मम्मी जा रही है अपनी मम्मी के पास मम्मी मेरी मम्मी क्यों ले जा रही तुम ये गए हैं बस देखने 37 पर बस नहीं खड़ी थी एक और प्रॉब्लम मतलब जाते जाते फिर यहाँ पर ऑटो वाले ऑटो और भी सवारी थी तो वो ई रिक्शा वाला लेकर के आ रहा था बस के लिए तो उसी के पीछे 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 मुझे लग रहा कहीं और ना लेकर के जा रहा हो बट फाइनली बस के पास आ गए यहाँ पीछे बस खड़ी हुई है यहाँ पर मम्मी को बैठा देंगे और इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं जल्दी मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में तब तक के लिए लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय मम्मी बाय बाय गुड नाइट बाय अब मम्मी के ब्लॉग्स देखो कब तक मिल पाए आपको वैसे भी नहीं मिल पाते थे अब तो बहुत मुश्किल हो गई है वहाँ टाइम लगेगा चलिए बाय गए पीछे बस देखने के लिए